आज हम कवर करेंगे द 100 मेंस, जो खेला जाएगा BPH वर्सेस TRT का बीच। BPH और TRT का बीच जो मुकाबला होगा वो होगा इंडियन समय अनुसार आज ही शाम को 11 बजे। आज ही शाम को जो 11 बजे मुकाबला होगा, इस मुकाबले में कौन सा टीम स्ट्रांग होगा और कौन सा टीम कमज़ोर होगा, साथ ही साथ पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, क्या बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच या बैलेंस पिच। अगर बैटिंग पिच है तो कौन सा बैट्समैन चलेगा, कौन सा बॉलर चलेगा, कौन सा ऑलराउंडर चलेगा, और अगर बॉलिंग पिच है तो किसे कैप्टन और वाइस कैप्टन देना चाहिए। चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्शन से बात करते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में इम्पॉर्टेंट विकेट कीपर के रूप में रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं टी वेस्टन। रिसेंट के फॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त है, ये TRT का ओपनर बैट्समैन है, साथ ही साथ विकेट कीपर है। दूसरा में जे स्मिथ जो कि ये दो नंबर में बैटिंग करेगा, ये BPH की तरफ से खेलेगा। थोड़ा रिसेंट के फॉर्म अच्छे ना है, लेकिन हाल फिलहाल में अच्छे नहीं रिकॉर्ड है, लेकिन उससे पहले काफ़ी लाजवाब है। एक होगा टी वटन जो है वो सेव होगा, जे सेप्टन जो है वो यूनिक होगा। यानी इन दो विकेट कीपर को आपको किसी भी हाल में लेना है। दोनों विकेट कीपर का फॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त है। अब आते हैं बैट्समैन में। बैट्समैन में आने से पहले मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं। पिच रिपोर्ट जो है वो है बैलेंस पिच, गुड फॉर पेसर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 142 है, वेन्यू इंडियन इगस्टोन बीमेनिंग में खेला जाएगा। अब ALS अच्छा खासा रिकॉर्ड है, ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकता है। रिसेंट के फॉर्म मिलता जुलता है। लेविन स्ट्रॉन्ग का ठीक ठाक है रिकॉर्ड, चौथा नंबर का बैट्समैन है। जे रूट का भी ठीक ठाक है, और यहाँ पर सबसे अच्छा बैंडुक का है, अभी फिलहाल के लिए सबसे अच्छा बैंडुक का है। अब इन ALOTHAN का अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन दो नंबर में बैटिंग करने आएगा। ये 5 बैट्समैन खेलेगा जिनका लाइनअप में नाम शामिल है। इन 5 बैट्समैन में से किसी भी बैट्समैन को आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, चाहे आप लोग हेड टू हेड लीग या स्मॉल लीग मेगा GL का सेफ टीम जो भी टीम बनाते हैं, उन टीम में आप इन 5 में से किसी को ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देते हैं आपस में हेड टू हेड मुकाबले कितने खेले हैं और ग्राउंड पर हेड टू हेड मुकाबले कितने खेले हैं, ग्राउंड पर कुल कितने मुकाबले हुए हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देते हैं, ग्राउंड पर कुल मिलाकर यहाँ पर 29 मुकाबले हुए हैं। ग्राउंड पर कुल मिलाकर 29 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 18 मुकाबले बैटिंग फर्स्ट करने वाले जीते हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाले 18 मुकाबले जीते हैं, और बैटिंग सेकंड यानी बॉलिंग जिसे कहते हैं बॉलिंग फर्स्ट करने वाले वहाँ पर 11 मुकाबले जीते हैं। कहीं ना कहीं जो टीम पहले बैटिंग करेगा उनका एवरेज ज़्यादा होता है। और यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड वाले को बात में बता दिए हैं। दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मुकाबले कितने खेले हैं, दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मुकाबले 4 खेले हैं। दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मुकाबले 4 खेले हैं, 2/2 का कम्बिनेशन है, दोनों 2-2 मुकाबले जीते हैं। अब बात कर लेते हैं BGP को कितने परसेंट चांस है जीतने का, TRT का कितने परसेंट है। 60% है BGP का जीतने का, 40% है TRT का जीतने का, क्योंकि BPH में अच्छा बैट्समैन है, अच्छा बॉलर है, साथ ही साथ अच्छे विकेट कीपर है। और आप उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देते हैं, दोनों टीम आपस में रिसेंट का मैच में 5 में 4 जीते हैं BGP, 5 में 4 जीते हैं और ये 5 में 3 जीते हैं। इसीलिए दोनों रिसेंट के फॉर्म खेलकर आया है 5-5, जो कि अच्छे स्कोर किया है। अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं मोइन अली ओपनर करेगा, ओपनिंग में आएगा, अच्छे खासे हैं, पूरे ऑलराउंडर है, 4 ओवर करेगा, बैलेंस पिच है। अब यहाँ पर आर पवल थोड़ा नीचे 5 से 6 नंबर में बॉलिंग करने आएगा, बैटिंग से कम चांस है। इमाद हसन खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन सेलेक्शन परसेंट काफ़ी है।
जी कर लिए अच्छा खासा। कौन बैट्समैन से क्या है, बॉलिंग से नहीं। रोमन पावर जो है 4 से 5 नंबर होगा, अच्छा खासा यूनिक होगा, मौका मिलने पर चौका लगाता है। जी मिस्टर विकेट कीपर है, ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकते हैं। 6 ओलंडर है, 6 ओलंडर में से किसी ओलंडर को आप लोग अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। 6 ओलंडर में से किसी ओलंडर को अगर आप लोग अपने हिसाब से ट्राई करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अब आते हैं बॉलर सेक्शन में। बॉलर सेक्शन में राशिद खान हेड टू हेड मुकाबले मात्र एक खेले, 1 में 2 विकेट निकाले हैं। 30 ओवर का रिस्कान का फॉर्म अच्छे हैं, एस ओवर का रिस्कान का फॉर्म अच्छे हैं। टी वर्ल्ड का सलेक्शन परसेंट लो है, अच्छा खासा रिकॉर्ड निकाल विकेट निकाल सकता है। एडम मिलर अच्छा खासा है, एस स्टोक का सलेक्शन परसेंट लो है, ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर 6 बॉलर है, 6 बॉलर में से किसी को भी आप लोग अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं, कोई बुराई नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हिसाब से। पहले मैं आप लोगों को विकेट कीपर सेक्शन से जे सुमित अच्छा खासा रिकॉर्ड है, जे सुमित ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ पर जे सुमित अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, इसलिए मैं विकेट कीपर सेक्शन से यहाँ पर लेते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में इम्पोर्टेंट विकेट कीपर के रूम में देखिए रहने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को बताते हैं। मैं अपने टीम में विकेट कीपर सेक्शन से टी वेटन जे सुमित दोनों को लूँगा। अब आते हैं बैट्समैन में। बैट्समैन में यहाँ पर लेविन स्टोन को लूँगा, 4 नंबर में बैटिंग करेगा जे रूट। यहाँ पर बैन डुक को लूँगा, इन्हें लेने के बाद देखिए ALS को लूँगा, क्योंकि बैटिंग पिच है, कभी भी अच्छे स्कोर हो सकता है। अब ओलंडर सेक्शन में यहाँ पर ओलंडर सेक्शन में इम्पोर्टेंट ओलंडर के रूम में जी रोमल पावर को लूँगा, सलेक्शन परसेंट लो है। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट मोइन अली रहेगा, इम्पोर्टेंट एपरटिन रहेगा। अब बॉलर सेक्शन में इम्पोर्टेंट बॉलर के रूम में रहने वाले हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बॉलर के रूम में रहने वाले हैं राशिद खान, टी साउथ। अब यहाँ पर टी साउथ इन दोनों बॉलर को लेने के बाद अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए कैप्टन और वाइस कैप्टन। आप भी जानते हैं जिस भी टीम से कैप्टन और वाइस कैप्टन अच्छे परफॉर्म कर देगा उनका टीम अच्छे खासे रैंक कर जाएगा। हर कोई राशिद खान को कैप्टन देगा, लेकिन मैं राशिद खान को कैप्टन नहीं दूंगा। कैप्टन के रूम में मेरा रहेगा बैंटुक और यहाँ पर टी वेस्टर्न वाइस कैप्टन। सेफ टीम करता हूँ, सेफ टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहेगा। फिलहाल के लिए मेरा टीम का परव्यू इस तरह से रहेगा, इस तरह से मेरा टीम का परव्यू रहेगा। आई होप ये वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।